अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की भी करते हैं। आज राहुल गांधी अखिलेश यादव ने साझा रैली की। ये रैली प्रयागराज और फूलपुर में हुई। दोनों जगह उनके समर्थकों का रेला दिखाई दिया। फूलपुर में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि भगदड़ तक मच गई। लोगों का उत्साह देखकर अखिलेश ने भी जीत की भविष्यवाणी कर दी, तो बीजेपी भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। आसमान से हरहराता हुआ हेलीकॉप्टर फूलपुर की जमीन पर उतरने वाला था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी फूलपुर में संयुक्त रैली करने पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के प्रचार के लिए, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। अखिलेश और राहुल से मिलने की लालसा ने भगदड़ मचा दी। देखिए, अति उत्साह भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में कई लोग घायल भी हो गए। आलम यह हुआ कि अखिलेश और राहुल को जल्दी जल्दी यहां से निकलना पड़ा। जिस तरह से फूलपुर में अपने नेता अखिलेश और राहुल को नजदीक से देखने उनके समर्थक उमड़े थे, ऐसा ही जनसैलाब प्रयागराज में भी देखने को मिला। अखिलेश भी भीड़ का उत्साह देखकर प्रसन्न थे। ये उत्साह जोश हमें अपनी वोट डालने की तारीख तक के लिए रखना है। अखिलेश के साथ राहुल गांधी भी थे। उन्होंने भी उमड़े हुए जनसैलाब के सामने बीजेपी पर करारे वार किए। अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम को हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन, जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे। अखिलेश और राहुल को उनके समर्थक नजदीक से देखने के लिए उतावले थे। इधर बीजेपी का दल भी जोरदार प्रचार कर रहा था। योगी आदित्यनाथ विपक्षी नेताओं की तुलना रावण से कर रहे थे। इनके कारनामे तो रावण जैसे ही है। आप सोचो, कांग्रेस ने अपने समय में क्या कहा, कहा राम हुए ही नहीं। इनके एक बुद्धिदाता कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते राम का मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए। यूपी के चुनाव में धर्म एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी को हथियार बनाकर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। ये चुनाव तो राम भक्तों के बीच में, राम द्रोहियों के बीच में है। एक तरफ राम द्रोही है, ये लोग देश के खिलाफ ही द्रोह कर रहे हैं। धर्म वाला दांव चुनाव जीतने में कितना मददगार होगा, ये तो समय बताएगा। मगर इतना जरूर है कि इस पर बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। इंडी गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। कर्नाटका में इन लोगों ने ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। जंग जबरदस्त है। देखना होगा कि 4 जून को किसका सूरज उगेगा और किसका पस्त है। प्रयागराज से आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।